हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए टू कलर में पैटर्न लेकर आई हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इजी पैटर्न। आप इस पैटर्न को किसी भी प्रोडक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं जो पैटर्न बनाने जा रही हूँ, 4 फंदों में वो हमारा पैटर्न बनकर आएगा। टू कलर में है, दूसरा कलर हम यहाँ से ऐड करेंगे। यहाँ पर पहले हमने ये उल्टा उल्टा बॉर्डर बना लिया है। तो बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ से हम फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। आपको किसी भी प्रोजेक्ट में अगर अप्लाई करना है बॉर्डर बनाने के बाद, बॉर्डर बना लेना। उसके बाद यहाँ से जब हम फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, तो फर्स्ट रो में हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। ये हमने पैटर्न में बनाना है। फर्स्ट रो में सारे फंदे उल्टा बुनेंगे। एक फंदा हमने इस स्टिच स्लिप कर लिया जो हमने उल्टा बुना था। अब सारे फंदे उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट रो में। ये हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो सारे फंदे उल्टा बुनकर पर्ल वाइज स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ रॉन्ग साइड से फर्स्ट रो हमने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब रॉन्ग साइड से सेकेंड रो दूसरी सिलाई में भी उसी तरह से हमें बुन लेना है। उल्टा सारे फंदे उल्टा बुनकर हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। पर्ल वाइज सारे फंदे उल्टा बुन लेंगे। ये हमने पैटर्न की दूसरी सिलाइयाँ हम बुन रहे हैं रॉन्ग साइड से। इसी तरह से हम उल्टा बुनकर रॉन्ग साइड से दूसरी सिलाई बुनकर कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो से हम अपना दूसरा कलर सेकेंड कलर लगाएंगे। दो सिलाई हमें बेस कलर से बुन लेना है जो हमने बॉर्डर बनाना है। जिस कलर से हम बॉर्डर बनाएंगे उसी कलर से हमें दो सिलाइयाँ, एक आगे की साइड से उल्टा, रॉन्ग साइड से भी उल्टा बुनकर हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही इजी है बनाने में। अगर आप बिगिनर्स हैं तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम आएंगे थर्ड रो राइट साइड। थर्ड रो राइट साइड से यहाँ पे हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब हम दूसरा कलर ऐड कर लेते हैं। यहाँ से पैटर्न बनाना हमारा स्टार्ट हो जाएगा बनना। स्टार्टिंग में हम अब दूसरा कलर ऐड करने के बाद यहाँ पे तीन फंदों को छोड़कर, ये 1 2 3 3 फंदों को छोड़कर यहाँ बीच से फंदों में से नहीं निकालना है। ये बीच में से जो होल है उसी होल से हम इस तरह से एक्स्ट्रा लूप्स निकालेंगे। एक एक्स्ट्रा लूप्स निकालेंगे। अब तीन फंदों को जब हम बुनेंगे तो तीन फंदा फिर वाइट कलर से ही बुनेंगे इस तरह से। 1 2 3 तीन फंदा वाइट कलर से बुनेंगे। फिर हम वही रिपीट करेंगे, तीन फंदा छोड़कर ये बीच में होल जो दिख रहा है इसी होल से हमें एक्स्ट्रा लूप्स, 1 लूप्स और निकाल लेना है। इस तरह निकालेंगे। अब फिर वही हम रिपीट करेंगे वाइट कलर से, इस तरह से तीन फंदा बुन लेंगे। 1 2 3 फिर वही रिपीट करेंगे, 1 2 3 तीन फंदों को छोड़ के फिर बीच में ये होल जो दिख रहा है यहीं से हमें एक्स्ट्रा लूप्स निकाल लेना है इस तरह। देखिए फिर यहीं छोड़ेंगे, फिर ये वाइट कलर से तीन फंदा जो हमने आगे की साइड से छोड़ा है इसको बुन लेंगे इस तरह से। तीन फंदों को हम स्टिच करेंगे, फिर वही रिपीट करेंगे, तीन फंदों को पीछे से ये जो होल है तीन फंदा छोड़ के यहाँ से इस तरह स्टिच कर लेंगे। फिर वही तीन फंदा हम वाइट कलर से बुनेंगे। इसी तरह से हम थर्ड रो अपने पैटर्न का थर्ड रो बुनकर कंप्लीट करेंगे। फिर वही रिपीट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे तीन फंदों को छोड़कर, फिर वाइट कलर से हम बुनेंगे। यही हमें तीन फंदे बार बार रिपीट करने हैं। एक फंदा एक्स्ट्रा लूप्स निकालना है। ये देखिए इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। ये हमने अपने पैटर्न का थर्ड रो बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम रॉन्ग साइड से बुनेंगे। तो यहाँ पे फोर रो में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड से हम ये वाला फंदा उल्टा बुन लिया है, लास्ट वाला जो हमारा एस स्टिच है एक्स्ट्रा फंदा, तो इसको हम स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ पर वाइट कलर से ही 1 2 फंदे हम वाइट कलर से बुनेंगे। और एक फंदा जो ये वाइट वाला है, एक फंदा लूप्स वाला जो रेड वाला है, तो इन दोनों को लेकर इस तरह से रॉन्ग साइड से दोनों को एक साथ बुनकर एक कर लेंगे। देखिए इस तरह से
फिर वही रिपीट करेंगे, दो फंदा वाइट कलर से बुनेंगे, एक दो, दो फंदा वाइट कलर से, फिर एक फंदा ये वाइट वाला, एक रेड वाला, जो रेड वाला हमारा लूप्स है, और एक वाइट फंदा, दोनों को लेकर इस तरह एक कर लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर यहाँ वही रिपीट करेंगे, दो फंदों को उल्टा बुनेंगे जो वाइट वाला है, और एक वाइट और एक रेड लेकर दोनों को हमें एक फंदा इस तरह से बना लेना है। बहुत ही आसान पैटर्न है, बहुत ही इजी है। अगर आप बच्चों के सेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, बहुत ही आसान पैटर्न है, बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर आएगा। फिर वही रेड कलर से हम इस तरह से दोनों को एक कर लेंगे, फिर वही वाइट कलर से दो फंदे बुनेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर वाइट कलर से दो फंदा इस तरह से बुन लेना है, लास्ट में एक वाइट वाला एक रेड वाला लेकर इस तरह से रेड वाले ऊन से इस तरह से बुन लेंगे। अब ये देखिए, इस तरह से ये पैटर्न हमारा इस तरह से बनकर आएगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल पैटर्न बनकर आया है, बहुत ही आसान है। अगर आप बिगिनर्स हैं, थोड़ा सा उल्टा सीधा बुनना जानते हैं, तो आप आसानी से बना सकते हैं। फिर यहाँ पे हम वही रिपीट करेंगे, वाइट कलर से इस तरह धागा अपनी साइड लाएंगे, और ये वाइट कलर से सारे फंदे, फिर यहाँ पे वाइट कलर से सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे राइट साइड से। ये हमारी फर्स्ट रो है, जो हमने फर्स्ट रो उल्टा बुना था वही हमने यहाँ पे रिपीट कर लेना है। फोर रो में हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर यहाँ पे सारे फंदे पर्ल वाइज इस तरह से उल्टा बुनकर हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम रॉन्ग साइड से बुनेंगे, सारे फंदे उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा सेकेंड रो है, जितने भी फंदे हैं सारे फंदे उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे फिर यही वाला पैटर्न ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। फिर यहाँ पे हम ये थ्री फंदा छोड़कर यहाँ से बीच में से फिर हम एक लूप्स निकालेंगे इस तरह से, जैसे कि हमने थर्ड रो में पैटर्न बनाया था। फिर ये तीनों फंदों को वाइट कलर से बुनेंगे। इसी तरह से हम अपना पैटर्न बार बार रिपीट करेंगे। ये पैटर्न हमारा इस तरह से बनकर आएगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल पैटर्न बनकर आया है, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान पैटर्न है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। एक और वीडियो मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।